हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, हाउ ओल्ड वाज एवेलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, यानी जो एवेलिन थी वो कितने साल की थी जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई। तो इसका आंसर है एवेलिन वाज नॉट इवन 17, यानी जो एवेलिन थी अभी वो 17 साल की नहीं हुई थी व्हेन शी वेंट टू द रॉयल ऑफ एकेडमी ऑफ म्यूजिक, जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई थी तो लगभग 17 साल से कम ही एज की थी। ओके, क्वेश्चन नंबर टू है, व्हेन वाज हर डिफनेस फर्स्ट नोटिस, व्हेन वाज इट कन्फर्म, यानी एवेलिन क्या थी, एक तरह से डिफनेस डीफ थी मतलब बहरा थी, ठीक है, तो उसका बहरापन कब नोटिस किया गया, When was it confirmed? और उसका बहरापन को कब कन्फर्म किया गया कि ये जो एवेलिन है वो कभी भी अपने ज़िंदगी में सुन नहीं सकती है। तो आंसर है हर डिफनेस वॉज नोटिस वेन सी वॉज 8 ईयर ओल्ड, यानी एवेलिन का बहरापन नोटिस तब किया गया जब वो 8 साल की थी। इट वॉज कन्फर्म बाय द टाइम सी वॉज 11। ओके, यानी ये कन्फर्म हुआ पूरी तरह से कि जो एवेलिन है वो अपने पूरे लाइफ में सुन नहीं सकती है, वो लगभग 11 साल की थी तब ये ज़्यादा कन्फर्म हुआ। ओके, सेकेंड है, आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इन अ शॉर्ट पैराग्राफ लाइक 30 to 40 words, यानी इस क्वेश्चन को 30 से 40 वर्ड में हमें आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, हु हेल्प हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, वट डिड ही डू एंड से, मीन्स एवेलिन को म्यूजिक सीखने में कौन कौन मदद करता था, वट डिड ही डू, वो क्या करती थी, वो क्या करता था एंड वो क्या कहता था। तो आंसर है रॉन फ्रॉप्स हेल्प हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, जो रॉन फ्रॉप थे एक तरह से वो क्या थे, म्यूजिक के टीचर थे जिन्होंने एवेलिन को म्यूजिक सिखाने में क्या करते थे, मदद करते थे। ही स्पॉटेड हर पोटेंशियल एंड सेड डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ट्राई टू सेंस इट, यानी जो रॉन फ्रॉप्स थे बेसिकली वो एवेलिन की पोटेंशियल यानी जो सीखने की म्यूजिक सीखने की ललक होती है उसको पहचानते हुए उन्होंने कहा कि तुम क्या करो, तुम म्यूजिक को मत सुनो, यानी तुम म्यूजिक को अपने कानों से मत सुनो बल्कि ट्राई टू सेंस इट, यानी बल्कि तुम इसे महसूस करो सम अदर वे, किसी और दूसरे तरीके से। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स, यानी पहले पहले क्या हुआ, जो रॉन फ्रॉप्स थे वो बेसिकली दो ड्रम यानी जो दो ढोलक से क्या किए, उन्होंने शुरुआत की म्यूजिक को सीखने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर टू है, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड काजेस फॉर विच एवेलिन परफॉर्म। ओके, मीन्स यहाँ पर हमें डिफरेंट तरीके से तरह के जगह को बताना है जहाँ पर एवेलिन क्या करती थी, अपने कंसर्ट को या अपने कार्यक्रम को, म्यूजिक कार्यक्रम को करती थी। तो आंसर है एवेलिन परफॉर्म फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल, जो एवेलिन थी वो अपने म्यूजिक कार्यक्रम को जेल में या हॉस्पिटल में करती थी फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। सी मेड म्यूजिक हर लाइफ, वो म्यूजिक को अपना लाइफ बना ली थी। ओके, एंड परफॉर्म मनी रेगुलर कॉन्सर्ट, और वो क्या करती थी, रेगुलरली अपने संगीत कार्यक्रम को जगह जगह पर करती रहती थी। हियर थर्ड, आंसर द क्वेश्चन इन 2 या 3 पैराग्राफ्स लाइक 100 to 150 words, यानी इस क्वेश्चन को हमें क्या करने हैं, 100 वर्ड से लेकर 150 वर्ड के बीच में लिखने हैं। ओके, तो आंसर है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, पहला पूछ रहा है कि हाउ डज एवेलिन हियर म्यूजिक, यानी जो एवेलिन थी, हम लोग जानते हैं कि जो एवेलिन है क्या थी, वह बहरा थी, ठीक है, वह सुन नहीं सकती थी अपने कानों से, तो एक्चुअली वह म्यूजिक कैसे सुनती थी। तो आंसर है इसका एवेलिन बिकम डीफ बाय द टाइम सी वॉज 11, यानी एवेलिन जो थी वो 11 साल की उम्र में क्या हो गई थी, बहरा हो गई थी, बट सी डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने हार नहीं माना। सी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, यानी उन्होंने सोचा कि मैं एक दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल लाइफ क्या करूँगी, बिताऊँगी और मैं क्या करूँगी, म्यूजिक को अपने लाइफ में काफ़ी हद तक आगे लेकर जाऊँगी। रॉन फ्रॉप्स अ प्रिकॉशनिस्ट स्पॉटेड हर पोटेंशियल, यानी रॉन फ्रॉप्स जो थे उसके पोटेंशियल को पहचानते हुए ही आस्क हर टू लिसन थ्रू द ईयर बट ट्राई टू सेंस इट। ओके,
इसके बाद से रॉन फ्रम उससे कहते हैं कि तुम अपने कानों से सुनने के मतलब कोशिश मत करो, क्योंकि तुम सुन नहीं सकती हो, तुम बहरे हो, ठीक है, लेकिन तुम इसे सेंस यानी फील करने की कोशिश करो। सो सी रियलाइज दैट कुड फील द हाई ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। इसके बाद से जब वो ड्रम बजा रही थी, ठीक है, म्यूजिक बजा रही थी ड्रम को, तो वो अपने कलाइयों को महसूस कर सकती थी कि किस तरह से म्यूजिक बज रहा है, ठीक है, हालांकि वो सुन नहीं सकती थी लेकिन महसूस कर सकती थी कलाइयों को ऊपर और कलाइयों के नीचे, ठीक है, उसका म्यूजिक जो बज रहा था। द फ्रॉग रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एवलिन डिस्कवर दैट सी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। इसके बाद से एक्सरसाइज करते करते एवलिन जो थी अब ढेर सारा म्यूजिक को सेंस करना सीख गई थी, ठीक है, अब वो अपने बॉडी के थ्रू म्यूजिक को क्या कर सकती थी, सेंस कर सकती थी या फील कर सकती थी। सी लर्न टू ओपन हर बॉडी एंड माइंड टू साउंड एंड वाइब्रेशंस। वो क्या करती थी, अपने दिमाग को अपने बॉडी को क्या करती थी, एक तरह से खोल के रख देती थी। कहने का मतलब है कि वह अपने बॉडी के थ्रू, ठीक है, अपने दिमाग को खोलकर क्या करती थी, उससे म्यूजिक को फील करने की कोशिश करती थी। ओके, एंड सी हरसेल्फ एक्सप्लेन्ड, और वो अपने आप को समझाती थी, इट पोर इनटू थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माय बॉडी, यानी वो अपने पूरे बॉडी के थ्रू उसको कैप्चर करना चाहती थी, इस म्यूजिक को फील करना चाहती थी। इट टिंगल द स्किन्स माय चीक बोन्स एंड इवन इन माय हेयर। वो अपने बालों में चीक बोन्स यानी स्किन में ये सारी जगह क्या करती थी, वह म्यूजिक को फील करना चाहती थी, हालांकि वो सुन नहीं सकती थी लेकिन इस तरह से वो अपने आप को एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि मैं म्यूजिक को किस तरह से फील कर सकती हूँ बिना सुने, ठीक है। तो व्हेन सी प्लेड ऑन द जाइलोफोन सी कुड सेंस द साउंड पासिंग अप टू द स्टूक एंड हर फिंगरप्रिंट्स। जब वो जाइलोफोन पर म्यूजिक सुन रही थी, ठीक है, तो वो जब स्टिक से बजाते सब ड्रम या किसी म्यूजिक को, तो वो उसको पता चला जो उसको फिंगर होता है, ठीक है, उससे वो म्यूजिक थोड़ा थोड़ा फील कर पा रही थी। बाय लर्निंग अगेंस्ट ड्रम यानी ड्रम को सीखते हुए सी कुड फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, यानी ड्रम को सीखते हुए, ड्रम से म्यूजिक सीखते हुए वो क्या कर सकती थी, अब फील कर सकती थी अपने बॉडी में अपने हाथों में म्यूजिक को, ठीक है। ऑन द वुडन फ्लोर यानी फर्श क्या हो रहता था, लकड़ी का फर्श रहता था। सी यूज टू रिमूव हर शूज, वो क्या करती थी, अपने जब खड़ी होती थी उस फर्श पर तो अपने जूते क्या करती थी वो निकाल देती थी और नंगे पाँव उस जमीन पर या फर्श पर खड़ी हो जाती थी। दैट वाइब्रेट में पास थ्रू हर बेयर फिट एंड अप हर लेग्स, और जो वाइब्रेट होता था म्यूजिक का वह उसके पैरों के नीचे से क्या होता था, वो महसूस करती थी कि म्यूजिक एक्चुअली में किस तरह से बज रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो जो एवलिन थी म्यूजिक सुन सकती थी। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।